हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना थोड़ा सा पार्ट कर लिया था इस चैप्टर का, जिसमें हमने पढ़ा था फोर्स डायरेक्शन, करंट से रिलेटेड लॉज और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम हमने। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे EMI। EMI क्या होता है? अब तक हम क्या कर रहे थे, करंट सप्लाई करते थे, मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे और उससे फोर्स बनता था। तो क्या होता था, यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे और करंट बनेगा। उल्टा होता है यहाँ पे पावर जनरेट की जाती है। ठीक है, जो बिजली बनाने के लिए यूज होता है ना सामान, वो EMI होता है। EMI के उससे बनाते हैं। EMI पहले इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, लिखते रहेंगे। देखिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे यहां पर, फोर्स की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड से, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, हम करंट का इंडक्शन करेंगे। इंडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस करना, करंट इंड्यूस होएगा करंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं EMI। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, द इंडक्शन ऑफ करंट। यहां पे कुछ लॉज भी आते हैं, उनका भी ख्याल रखना है। इंडक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। अब जो फोर्स लगी है ना, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए लगी है। चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाई, उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उससे हमारा करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं EMI। समझे कैसे चेंज करना है, एक बार सिंपल एक्टिविटी समझेंगे। ये क्या, इसका ये कौन था, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आएगा, माइकल फेराडे। इसी ने ये दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या किया था। देखिए, एक्सपेरिमेंट समझेंगे सिंपल। एक क्या किया, देखिए एक वायर ली, सोलेनोइड वाली वायर ली, कोई सी वायर ले लीजिए। ठीक है, वायर ली, इस तरह से लूप लगाए, नीचे एक डिवाइस लगा दिया जो करंट को मेजर करता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था करंट को कौन मेजर करता था, बताइए कौन मेजर करता था, सोचिए। आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिसिटी में करंट को मेजर करता था, उस डिवाइस का नाम होता था एमीटर। ठीक है, यहां पे एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम रहेगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, हाँ देखिए यहाँ पे एक करंट को मेजर करने के लिए दो डिवाइस है, मेजरिंग करंट, दो तरह के डिवाइस होते हैं मेजरिंग करंट, दो डिवाइस हैं, पहला एमीटर और दूसरा क्या है, वोल्टमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर वोल्टेज, वो तो वोल्टेज मेजर नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये मेजर करने के लिए होता है लार्ज करंट, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, कई बार हमेशा ऐसा। अब यहाँ पे जो बनेगा ना करंट, वो इतना बड़ा करंट नहीं बनता कि 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर में बन गया, नहीं, ये यूज होता है लार्ज करंट के लिए, लार्ज करंट। लेकिन जब वैल्यू बहुत छोटी होगी, छोटी कितनी, मिली एम्पेयर में, यानी मिली एम्पेयर कितना होता है, मान लीजिए 1 मिली एम्पेयर कितना होगा, 0.001, इतना होता है 1 मिली एम्पेयर, इतना कम। इस वैल्यू को मेजर करना एमीटर के बस की बात नहीं है, इतनी छोटी वैल्यू मेजर नहीं हो पाएगी एमीटर से, उसको मेजर करने के लिए बना है गैल्वेनोमीटर, फॉर वेरी शॉर्ट करंट, फॉर वेरी स्मॉल करंट, स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल करंट। ठीक है, तो ये समझ गए गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में क्या फर्क है। एमीटर यूज होता है लार्ज करंट के लिए, गैल्वेनोमीटर यूज होगा शॉर्ट करंट के लिए, स्मॉल करंट बोलिए जी। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हमने। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ऐसे मीटर लगा होता है, ऊपर से सुई होती है, बस याद रहे गैल्वेनोमीटर बाई डायरेक्शनल होता है। एमीटर में ये कोई फीचर नहीं होता, मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन भी बता देते हैं किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सुई इसके बीच में होती है, देखिए अगर करंट ऐसे आ रहा होगा ना, दोनों साइड मीटर ही जीरो होगा, इस साइड लगा होगा 1 मिली एम्पीयर, 2 मिली एम्पीयर, 3, ऐसे 1 2 3 ऐसे लगे होंगे। अगर करंट ऐसे आ रहा हो तो इसकी सुई ऐसे डिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, और अगर करंट इस डायरेक्शन से जा रहा होगा तो कहाँ जाएगी, फिर वो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे कहीं, तो ये चल जाएगी। तो इसमें डायरेक्शन बदल जाते हैं, करंट की क्या है बाई डायरेक्शन होता है, इस साइड या इस साइड, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है गैल्वेनोमीटर से, ये फायदा रहता है। इट
ऑल्सो गिव डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि एमीटर में ऐसा कोई फीचर नहीं है डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, ये गैल्वेनोमीटर का फीचर है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इतना समझे। अब हमने गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया, ताकि हम करंट को मेजर कर सके कि वायर में करंट बना ही नहीं बना, इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो समझ जाएंगे। अब क्या करें, हमने मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं हम, या तो चार्ज से बना सकते हैं, मैग्नेट से बना सकते हैं। हम लिया एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, अगर मैग्नेट है तो इसका तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ऐसे बाहर निकल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं भाई, ये बात आपको पता है, अभी सारी लाइनें बना रही हैं, अंदर की तरफ भी होंगी यहाँ पे, ठीक, अंडरस्टैंडिंग है वो तो। अब क्या होगा, देखिए मैग्नेट, मान लीजिए मैग्नेट रुकी हुई है, तो इसके लूप के अंदर से कुछ चली जाएंगी लाइन्स है, लेकिन हमने क्या कहा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें इंड्यूस करंट के लिए। अगर मैग्नेट रेस्ट पर, तो एक बात बताइए भाई, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की यूनिट होती है गॉस, गॉस या टेस्ला, मान लीजिए सिंपल ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने की क्या यूनिट होगी, टेस्ला, टेस्ला कार नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है टी। मान लीजिए यहां पे 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, ठीक है, एक लूप से 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है कुछ, ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नेट को स्टेबल रखें तब, लेकिन हमें क्या चाहिए, चेंज थोड़ी हो रहा है उसमें, कोई चेंज भाई, स्टेबल मैग्नेट रखिए उस लूप के अंदर से, ये लूप भी फिक्स है, 10 टेस्ला करंट जा, 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है, 10 टेस्ला का आज भी 10 टेस्ला जा रहा है, कल भी 10 टेस्ला का जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तभी हमारा करंट इंड्यूस होगा। मींस, और चेंज कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम मैग्नेट को पीछे करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम अंदर जाए, जो 10 टेस्ला थी वो 5 टेस्ला हो जाए, चेंज हो रहा है, फिर आगे लाए तो उसका जो 10 टेस्ला 15 टेस्ला हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड आगे आएगा, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ पे, तो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, 5 से लेके 15 10 इस तरह चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको मूव कराना पड़ेगा, इसको इधर मूव करा सकते हैं, इधर मूव करा सकते हैं, जब तक इस मैग्नेट को स्टेबल रखेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, मैग्नेट को मूव कराना बहुत जरूरी है, आगे पीछे कहीं भी करिए मैग्नेट को, मूविंग मैग्नेट, मैग्नेट फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, शर्त यह कि चेंज होना चाहिए फॉर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी लिख देता हूँ, ठीक है, समझाइएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, हमें ये स्विच डिफ्लेक्ट कर दी फैलेगी, यहां से हमें डिफ्लेक्शन दिख जाएगा, शो डिफ्लेक्शन, और बस यहां पे डिफ्लेक्शन होते ही हमें पता चल जाएगा कि बस यहां पे करंट इंड्यूस हो गया, और इसी को हम EMI बोलते हैं, इंडक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। भाई देखिए मैग्नेट को आप आगे पीछे चल रहे, इसमें फोर्स लगेगा ना, यहां से हमने क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो कुछ, जैसे हम रुक जाएंगे करंट बिल्कुल करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगी, करंट की वैल्यू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाएगा, आप रुक गए तो, अब मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू चेंज होना बंद हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, तो बस करंट खत्म, यहां से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए, फोर्स लगा के आगे पीछे करेंगे मैग्नेट को, तभी यहां करंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, कि अब ऐसा दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो एनर्जी बना सके, ये बात फिक्स है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एनर्जी बना सके। अब आप पूछेंगे जनरेटर होता है भाई, इतनी सारी चीजें होती है हमारे में तो जो एनर्जी बना सकती है, नहीं, वो एनर्जी बनाती नहीं है, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जैसे आप जनरेटर में पेट्रोल वगैरह डालते हैं, पेट्रोल क्या है, वो भी तो एनर्जी की फॉर्म में केमिकल एनर्जी, उससे कोई हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है जो हमारी चीजें चल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या है, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है, कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। आपने लॉ पढ़ा होगा 9th में, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एनर्जी, तो क्या था, यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती, ना वो बढ़ सकती है ना वो घट सकती, तो कोई भी ऐसा डिवाइस है नहीं जो एनर्जी बना सके या खत्म कर सके, वो बस चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और चेंज करते हैं तो बस, और चेंज करने के लिए अलग अलग डिवाइस होते हैं हमारे पास, मोटर क्या था, वो भी चेंज कर रही थी एनर्जी को, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या बना रही थी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना, जनरेटर वगैरह हम यहाँ आगे पढ़ेंगे अभी, तो ये भी याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी,
ईएमआई का पेपर में आता है, राइट मेथड्स ऑफ ईएमआई, मतलब किस किस तरीके से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या बोलते हैं राइट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट आप ये लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख देंगे पेपर में, डिफ्लेक्शन शो करेंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर शो करेंगे, अब उससे डिफ्लेक्शन होएगा, एक्टिविटी से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होगी कभी इधर उधर, हाँ क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, यहाँ पर थोड़ा चेंज रहेगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन पर उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब यह भी करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, इस एक्टिविटी, ये फर्स्ट एक्टिविटी है, बुक में दे रखी है कि मैग्नेट के चारों तरफ वायर को घुमा रहे हैं, नीचे गैल्वेनोमीटर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी समझे। दूसरा मेथड समझते हैं, तो भाई इसे नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नेक्स्ट मेथड समझते हैं ईएमआई का, ये भी माइकल फैराडे ने किया था, इसमें उन्होंने क्या किया, अब ये करंट पहले से बना दिया, इसको मिटा देता भाई, समझिएगा, अब के उन्होंने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया, अब क्या हमने मैग्नेट से बनाया था, अब के करंट से बनाएंगे, करंट से तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड भाई, वायर के चारों तरफ जो राइट हैंड थंब रूल से निकाला था हमने, वही करा उन्होंने, सोलेनोइड वाला करंट आपको याद होगा, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड बनता था, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता था, दूसरी साइड से निकलता, जो सर्कुलर लूप वाले थे, मल्टीपल सर्कुलर लूप वाले, तो वही करेंगे, देखिए क्या करेंगे, एक वायर ली, ये पूरी कॉइल, ठीक है, यहां पर हम एक काम करेंगे, एक लगाएंगे रियोस्टेट, रियोस्टेट की डेफिनेशन आपको पता होगी, रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज कर सकता है, और रेजिस्टेंस चेंज होता है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट भी चेंज हो जाएगा, बैटरी की वोल्टेज तो कॉन्स्टेंट है, ये तो वी कॉन्स्टेंट है, ओम्स लॉ में पता है वी इक्वल्स टू आई आर, ये कॉन्स्टेंट है बैटरी जब तक लगी है, हमें ये चेंज करना है करंट, तो हमें ये चेंज करना होगा, ये चेंज कैसे करेंगे, रियोस्टेट से, रियोस्टेट, ठीक है, तो हमें ये चेंज आएगा, और इसके चेंज होते हैं हमें पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, करंट से, जब करंट फ्लो होता है तो चार्ज मूव करते हैं और उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो या तो ठीक है यहाँ से भाई इससे हम चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ भाई करंट को चेंज करेंगे तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, दूसरा हमने क्या किया, एक कॉइल और लगाई यहाँ पे, इस बार नीचे लगा दिया गैल्वेनोमीटर मेजर करने के, ठीक है, इस कॉइल में भी सेम ने ये चीज करी, ठीक है, देखिए बुक में रहते हैं इसको एक रॉड के ऊपर दिखा रहा था, पूरे बीच में रॉड दिखा रखे, नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है, हमें इस पूरे सर्किट को भाई देखिए, अब करंट निकलेगा यहां से, मान लीजिए साइड से करंट निकला, ठीक है, करंट जा रहा है, करंट ऐसे लूप में जाएगा, लूप ऐसे मान लीजिए ऐसे है, बाहर से अंदर इधर जा रहा है करंट, ऐसे लूप के अंदर ऐसे घूम रहा है करंट, ठीक है, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, फिर यहां से बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, तो ऐसे लूप्स बन गए काफी सारे, अब आपको पता होगा जब लूप्स बनते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सोलेनोइड बताया था, तो सोलेनोइड वाला लेक्चर देख सकते हैं आप, उसी से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी, कैसे निकालते थे हम, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर है ना ऐसे, तो सर जब डायरेक्शन निकालेंगे आप हर एक पॉइंट पर करिए, देखिए बाहर से अंदर जा रहा है डायरेक्शन रखिए, करंट डायरेक्शन ऊपर है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, ड्रॉ करेंगे आपको समझ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा इसमें, ठीक है, या आप निकाल सकते हैं इजीली, बाहर से अंदर करंट जा रहा है तो आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट मान लीजिए बाहर से अंदर है ऐसे घूम रहा करंट, तो यहां पे थंब रूल लगा मैंने, अंदर की तरफ जा ही नहीं बोलिए, देखिए तो लूप के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा हो करंट, तो भी अंदर की तरफ है, जब सारी अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, इससे पता चलता है किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी इधर भी ऐसी रहा होगा, ऐसी इधर भी रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से जाएंगी, इस साइड से निकल जाएगी, ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लग गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, अब देखिए ये लाइन इधर भी जा रही होंगी कहीं ना कहीं, इसके लूप में भी, इसमें भी इन्वॉल्व हो रही होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन क्या ये सर्किट दोनों फिक्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कभी, लाइंस चेंज होंगी क्या, ऐसे
जब तक सर्किट फिक्स है, सर्किट का वोल्टेज फिक्स है, करंट फिक्स है, नहीं काम बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। और मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे। करंट को चेंज करने के लिए क्या करा हमने, रियोस्टेट लगाया। जब हम इसकी सुई को आगे पीछे करेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस बदलेगा, ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगा, और करंट बदलेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। देखिए सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज होगा, लिख देते हैं, रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस चेंज से क्या बनेगा, करंट बनेगा, और करंट चेंज बनेगा, और करंट चेंज से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और उससे क्या होगा, इंड्यूस करंट बनेगा, करंट इंड्यूस होएगा। इसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, क्योंकि करंट तो ये भी इधर भी है लेकिन इंड्यूस करंट है। जो करंट नया बना है उसको बोले इंड्यूस करंट। हमने क्या किया, सिंपल देखिए एक्टिविटी में, इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराया, जो लाइन्स इधर पिक करी, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, उससे इस वाली कॉइल में करंट जनरेट हो गया। या हमने कोई बैटरी वगैरह कुछ तो लगाई नहीं, लेकिन फिर भी इस कॉइल में करंट बन गया, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में करंट आ गया। ये हमारा सेकंड मेथड। पहले हम मैग्नेट यूज करते थे मैग्नेट को आगे पीछे करके, जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। इस बार हम रियोस्टेट से करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, कभी बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे, जिससे वहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और यहां पर भी हमें करंट इंड्यूस हो जाएगा और डिफ्लेक्शन दिख जाएगा। करंट यहां पे, करंट इंड्यूस्ड, ठीक है, यहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉल की वजह से इस कॉल में करंट इंड्यूस हो गया। ये है मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है, ईएमआई का। इस वाली कॉल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉल, नाम देते हैं अभी इसको प्राइमरी कॉल, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इस वाली को बोल देते हैं हम सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। लिख आप सकते हैं सारी चीजें कि भाई दो कॉइल्स को लगाएंगे, एक में बैटरी वगैरह लगा के रियोस्टेट लगा के करंट चेंज करेंगे, उस करंट चेंज से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वो दूसरी कॉइल से लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस करंट बन जाए, करंट इंड्यूस हो जाएगा और वो गैल्वेनोमीटर में शो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। बस इतना आपको लिखना है, सही पॉइंट्स पॉइंट वाइज लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है, इसे नोट कर लीजिए एक बार, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं करंट के बारे में, ठीक है, करंट के बारे में पढ़ते हैं अभी, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। करंट, करंट के हमारा दो टाइप का मिलेगा आपको, करंट के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला करंट होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। इनके नाम आपने पहले भी सुने होंगे कई बार, इसको बोलते हैं एसी, ठीक है। अब देखिए यहां पे जब भी ईएमआई बन होता है, ईएमआई से दोनों टाइप के करंट बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन सा बनेगा, एसी। फर्क क्या है दोनों में देखिए एक बार, क्या होता है, हम इसको ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं। जो डीसी करंट होता है ना, उसका फिक्स होता है, मान लीजिए जैसे हमने बैटरी से जितने भी करंट पड़े थे ना, सारे डीसी करंट थे। देखिए इस डीसी करंट की क्या खासियत होती है, भाई बैटरी के इस टर्मिनल से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, तो ये इसकी डायरेक्शन फिक्स है, फिक्स डायरेक्शन कि इस साइड से निकलेगा और इस साइड घुस जाएगा डायरेक्शन, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन। लेकिन एसी में कोई फिक्स नहीं होती डायरेक्शन, एसी में क्या रहता है, एसी का सिंबल क्या होता है, एसी करंट को शो करने के लिए दिखाते हैं, देखिए ये एसी का रहता है, मान लीजिए हमने लगाया एसी का ये सिंबल लगाते हैं इस तरफ से, बैटरी दिखाते हैं, ये सिंबल होता है। एसी में क्या रहता है, करंट इस साइड से भी निकल सकता है, इस साइड से ऐसे भी निकल सकता है, और पहले इस साइड से निकलेगा फिर अचानक डायरेक्शन चेंज करके इस साइड निकल जाएगा,
पहले इस साइड, फिर उस साइड, पहले इस साइड, इस साइड, मतलब कभी ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, कभी ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। भाई निकलेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल मान के चलते हैं, हम जिस साइड से निकल रहे हैं, तो कभी ये नेगेटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, नो फिक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ये सबसे बड़ा पॉइंट है इनका, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन फिक्स नहीं है कोई भी, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये वाला पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नो फिक्स डायरेक्शन। इसके हम वो बनाते हैं ग्राफ, क्या ग्राफ बनाते हैं देखिए, इसके लिए जो ग्राफ बनाते हैं हम इस तरह से शो कर देते हैं, भैया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट है डीसी करंट, ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कैसे बनाते हैं हम ग्राफ, ये देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं और ऐसे बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव तो ऊपर का है, कभी ये टर्मिनल नेगेटिव तो नीचे, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है करंट की। ये हमारा शो पैटर्न होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को चेंज शो करने का। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आती है, दूसरे बट्टा आती है फ्रीक्वेंसी, हम क्या बोलते हैं जब ये इस पॉइंट से निकल के वापस इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली, मतलब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। मान के चलते हैं जहां से यहाँ पॉजिटिव था एक बार, यहाँ नेगेटिव हुआ, फिर दूसरे बार क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, सेकंड टाइम जब यहाँ पे वापस पॉजिटिव आया तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। एसी की साइकिल्स बनती है इसमें, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वेव्स बनती है यहाँ पे पूरी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक साइकिल, वन साइकिल। ये चीज आपको पता होंगी, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये सारी चीज आपने बचपन में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड होता है। फिर यहाँ पे आती है वेवलेंथ, ये जो होती है पूरी, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से शो करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं, वेव बनती है पूरी है वेवलेंथ। इतनी चीजें आपको याद नहीं करते, क्या क्या चीजें आ जाती है वो बताते हैं आपको। एक सेकंड में जितनी फ्रीक्वेंसी निकलती है, जितनी नंबर ऑफ वेव्स बनती है, ऐसे वेव्स बनती हैं सारी, ठीक है। अब एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है, उस चीज का वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिख दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी याद रखनी है आपको, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकंड, इन वन सेकंड, ये याद रखना है डायरेक्ट, मतलब कितनी वेव्स बनती है एक सेकंड में, कितनी बनेंगी इंडिया का याद रखना है, इंडिया में होती है 50 वेव्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या रहती है, हर्ट्ज, एच जेड, 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ याद रखनी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है। मतलब क्या था, देखिए यहां से निकला, यहां से यहां आया, एक वेव कंप्लीट हुई, फिर यहां से निकला, फिर यहां पे आया, एक सेकंड में ऐसे कितनी वेव्स बना लेगा, 50 वेव्स बना लेगा। और एक चीज याद रखिएगा, देखिए अभी करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, यहां तक करंट आया, नीचे नेगेटिव तरफ आ गया, फिर वापस यहां ऊपर चला गया, तो एक साइकिल में उसने कितनी बार डायरेक्शन चेंज करी, ये याद रखना है। एक बार यहां से यहां चेंज करी, एक बार यहां से यहां चेंज करी, दो बार डायरेक्शन चेंज हुई है भाई, ठीक है। तो यह बोला टू टाइम्स डायरेक्शन चेंज, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज, ये भी याद रखना आपको, नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज इन वन साइकिल, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आंसर आएगा टू टाइम्स। भाई देखिए एक बार ऊपर जा रहा था, फिर एक बार नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर हो गया, एक बार यहां चेंज हो गई यहां से यहां, एक बार यहां से यहां चेंज हो गई, तो दो बार चेंज हो गए साइकिल में डायरेक्शन। और अगर पूछे एक सेकंड में कितनी साइकिल्स बन रही है, 50, और एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, दो बार, तो टोटल एक सेकंड में कितनी बार ये करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, एक सेकंड में 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज आती है इसकी, क्योंकि देखिए ये जीरो वाली लाइन है, कुछ पॉइंट ऐसे भी आ रहे हैं बीच में जो ये वाला पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट जहां पे करंट की वैल्यू जीरो हो गई। और याद रखिए जब करंट वैल्यू जीरो होगी तो क्या हमारा बल्ब जलेगा जो हमने बल्ब लगा रखा है, नहीं, ऑब्वियस बात है करंट वैल्यू जीरो तो बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन फिर वापस जल गया, फिर बंद हो गया, हर एक बार यहां पे बंद होगा जब भी करंट जीरो पे आएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो बल्ब घर में जलते हैं वो हर एक सेकंड में 100 बार बल्ब जलता है, बंद होता है, जलता है, बंद होता है, लेकिन वो इतने तेज होता है हमें पता ही नहीं चलता कि बल्ब बंद भी हुआ है। ये एसी करंट का है तरीका, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जीरो पे भी आएगा, पहले पॉजिटिव जा रहा है जीरो, फिर नेगेटिव जीरो, अब ऊपर, तो डायरेक्शन चेंज होने से कई बार बल्ब बंद भी होता है। एक साइकिल में जितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, दो बार, एक सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है, एक साइकिल में कितनी बार चेंज हो रही है, दो बार,
और एक सेकंड में कितने साइकिल बन गए, 50। तो टोटल कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो गई, 100 बार। नंबर डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट भी याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ एसी के बारे में, वो आपको याद रखने ही है, ठीक है, इनको आप भूल नहीं सकते। एक ये पॉइंट, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज इन 1 सेकेंड, कितनी बार होती है, 1 सेकेंड में 2 बार, और 1 सेकेंड में कितनी साइकिल है, 2 साइकिल है, तो कितने हो गए टोटल 100 टाइम्स। हमारा बल्ब जो घर में है वो 1 सेकेंड में 100 बार जलता है बुझता है, बल्ब जलता है बुझता है, लेकिन इतनी तेज होता है हमें पता ही नहीं चलता हूं, हमें डायरेक्ट जला हुआ दिखाई देता है क्योंकि काफी तेज रहता है। कितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाई है इतनी, 50 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में 50 साइकिल बन रही है, फिर उस साइकिल में भी 2 बार चेंज हो रहा है तो पता ही चलता है। ये पॉइंट लिख दीजिए, ये 3 पॉइंट एसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी एसी डीसी का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एक साथ सारे पॉइंट लिख देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले से पहले नोट कर लीजिए। डीसी करंट में क्या है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, भाई चेंज ही नहीं हो रही डायरेक्शन, ना कोई वेव्स बन रही तो 0 फ्रीक्वेंसी रह जाएगी इसकी, 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट याद हो जाता है। जो भी बैटरी वाला करंट होता है वो सारा बैटरीज में जितना भी होता है सारे यही होते हैं, बैटरी सोर्सेस क्या होते हैं, बैटरीज सेल्स, ये सारे यही होते हैं। और ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर जो आती है हमारे घर में, जो करंट आता है घर में वो एसी करंट ही आता है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर और इन्वर्टर, इन्वर्टर, इन्वर्टर का देखिए नाम क्या है, इन्वर्टर, जो इन्वर्ट करे, इन्वर्ट होता है उल्टा, इन्वर्टर काम होता है वो एसी करंट को डीसी में बदलता है, डीसी करंट को एसी में बदलता है, ये फैक्ट है। तो इसके एसी एसी के क्या सोर्सेज है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो घर में आ रही है, और इन्वर्टर, इसके सोर्स क्या, बैटरी सेल्स, ये सारे इसके सोर्सेज हैं, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए। एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे डीसी में, ठीक है, ये स्टोरेज हो सकता है, ये वाला करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, कैन बी स्टोर्ड, मतलब अगर हमें किसी करंट को स्टोर करना है तो हम उसको क्या, किस फॉर्म में बदलना होगा, डीसी फॉर्म में, अगर एसी करंट है तो स्टोर करने के लिए उसे डीसी में बदलना होगा, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी इतनी आई है निकल जाए हमारा, कंट्रोल में आएगा ही, ठीक है, और एसी के क्या लिखेंगे हम, एक मिनट लिख लीजिए, हाँ एसी के लिए क्या लिखेंगे हम, कैन नॉट, एक मिनट से नोट करिए, बट देखिए ये क्या लिखेंगे, कांट बी स्टोर, कांट बी स्टोर्ड, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा, आपने घर मूवीज में या थिएटर्स में कई बार देखा होगा कि किसी ने बिजली का तारों पकड़ा, वो चिपका ही रह गया, नाच रहा है, बाल खड़े हो गए, और कई बार ऐसा होता है शॉक लगा, बहुत जोर से झटका लगा, पीछे जाके गिर गया। तो 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास में, पहला दूसरे जिसमें चिपका रह गया, और दूसरा जिसमें झटका लगा और पीछे गिर गया, तो 2 सिचुएशंस आ गए। तो ये वर्क करता है, डिपेंड करता है कौन सा करंट है। अब खतरनाक कौन सा है, देखिए टच किया वायर को आपने, थोड़ा टाइम करंट लगा लेकिन झटके लग के आप पीछे हट गए, तो उससे क्या हुआ, आपको नुकसान नहीं हुआ। एक बार से लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, ठीक है, तो उससे क्या आपको नुकसान नहीं होगा ज्यादा, चोट तो खैर लगी कि खैर करंट लगाया तो, लेकिन थोड़ा करंट थोड़ा कॉन्टेक्ट में रहा थोड़े टाइम, फिर वापस आप दूर हट गए उससे झटका लग के, लेकिन जिसमें आप चिपके रह गए उसमें तो कॉन्टिन्यूस करंट लगे ही जा रहा है, लगे ही जा रहा है, तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस कौन सा है, जिसमें आप चिपके रह गए, जो अट्रैक्ट कर रहा है उल्टा आपको, और एक बोला रिपेल कर रहा है, जो फेंक रहा है दूर, तो वो कम हार्मफुल है, ज्यादा हार्मफुल नहीं है, और जो चिपका के रह रहा है वो ज्यादा हार्मफुल है। तो इसमें कौन सा डिपेंड करता है, एसी क्या रहता है, एसी ज्यादा हार्मफुल होता है, डीसी कम हार्मफुल होता है, ठीक है, इससे साफ साफ ले रहे हैं, सारी सारी चीजें एक साथ कवर हो गई इस पेज पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कौन करंट की डायरेक्शन चेंज करता है, 0 फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज, कितने बार साइकिल में चेंज होता है, 1 साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है, 1 सेकंड में 100 बार चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती, इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, सोर्सेज क्या, इलेक्ट्रिक पावर, इन्वर्टर, बैटरी, सेल्फ, इसके दूसरे डीसी के सोर्सेज है, स्टोर किया जा सकता है, स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसका लिख लेते हैं, सेफर, ये ज्यादा सेफ है, मोर सेफ,
ठीक है, ज्यादा सेफ है क्योंकि ये रिपेल करता है, इट रिपेल ह्यूमन, मतलब ये दूर फेंक देगा ह्यूमन। जबकि अगर बात करें ऐसे की, ये तो चिपका के रख लेता है बंदे को, ठीक है। इसके बारे में पॉइंट ध्यान देते हैं, ये डीसी का पॉइंट है भाई, ये वाले पॉइंट सारे डीसी के ऊपर के, ये वाले सारे ये डीसी के पॉइंट है जहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है। ये डीसी के पॉइंट है और नीचे वाले सारे एसी के पॉइंट है, और ये वाला तो हार्मफुल बहुत है, इंसान की जान ले लेगा। सारे एसी के पॉइंट है तो एरो क्या बनाना, फिर मोर डेंजरस डेंजरस क्योंकि अट्रैक्ट ह्यूमन, ये चिपका के रखता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट ह्यूमन। छोटा छोटा लिख दिया भी समझ जाएगा थोड़ा, ठीक है, जगह का इशू था। ये देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को एक साथ बना लीजिएगा, ब्रैकेट में काम आएंगे, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है पहले और आता भी रहता है आगे भी, ठीक है। सारे पॉइंट लिख लीजिए, नीचे वाले सारे एसी के पॉइंट है, ऊपर वाले सारे डीसी के पॉइंट है, लिख लीजिए, ठीक है। इसे लिखिए, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस सारी चीज आप समझ गए, मोस्टली कौन सा ग्रहण बनता है, इसलिए क्या कौन सा ग्रहण बनता है ईएमआई से, एसी ग्रहण। तो इस वजह से क्या था, शुरुआत में जब एसी ग्रहण बना था, एसी ग्रहण बनाने वाले कौन थे, निकोलस टेस्ला। इनका क्या शुरुआत में जब बना था, जब देखा कि एसी करंट काफी हार्मफुल है, तो इसको क्या हुआ, शुरुआत में काफी अवॉइड करने लगे। उस टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन का ज्यादा रोल था, एल्बर्ट आइंस्टाइन डीसी करंट को सपोर्ट करते थे, तो उनका इस टाइम उनका डाउनफॉल आया था उनकी लाइफ में, कि जब निकोलस टेस्ला आगे चल गए, आगे चले थे, क्योंकि क्या था भाई हार्मफुल था तो इसलिए इसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन इसका एडवांटेज क्या था, सस्ता पड़ता था बनाना, और साथ ही साथ ज्यादा पावर था, पावर थी इसकी, डीसी करंट इतना पावरफुल नहीं होता भाई, हाँ बोला पावरफुल भी हो गए सीधी सी बात है, तो इसलिए और महंगा पड़ता था डीसी करंट, बैटरी वाला करंट। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको सब इस, जो थॉमस एडिसन थे वो इसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जो थॉमस एडिसन उस टाइम, और निकोलस टेस्ला इसको, लेकिन और बाद में यही चलाता है, इस वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया था बाद उस टाइम थॉमस एडिसन की लाइफ में, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे। लेकिन बाकी लेकिन ऐसा नहीं है कि थॉमस एडिसन भी बुरे थे, वो भी काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका भी काफ़ी नाम है, वो बस कॉम्पिटिशन रहता है, कई बार कोई किसी चीज़ में अच्छा कर जाता है, कोई किसी का पॉइंट सही निकल जाता है, तो वो बात है बस, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई बुरा था कोई अच्छा था, ठीक है। तो निकोलस टेस्ला बाद में इस करंट के थ्रू काफ़ी अच्छा चले थे, डिस्कवर किया था उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को, निकोलस टेस्ला, और इसको कराता कौन से थे, थॉमस अल्वा एडिशन, वो करते जिन्होंने बल्ब बनाया था, उन वो इस करंट को सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसके लिए बना एसी जनरेटर, जो बनाता है इसके लिए बनता है डीसी जनरेटर, नाम है, ठीक है, बस लिख लीजिए। हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है एसी जनरेटर, अब हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे, बस नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए उससे पहले छोटा सा रूल समझ लेते हैं, काम आएगा। करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भाई, ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगा के फोर्स से चेंज कर रहे हैं आप, लेकिन करंट बन रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की, चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, कोई डायरेक्शन तो होगी ना उसकी, एसी करंट की भी डायरेक्शन तो होती है भाई, चेंज होती रहती है, पता चल जाएगा मैं पॉइंट। तो उसको फाइंड करने के लिए एक रूल आया, अब क्या आएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाँ ये भी रूल है, इसमें काफी सारे रूल्स है चैप्टर में, अब पहले ने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, अब आया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसे भी लिख लेते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हैंड रूल, ठीक है। अब क्या ये बताएगा कि क्या सिस्टम रहेगा, एक बार से नोट और देखिए, एक बार एक मिनट, ठीक है, देखिए इसमें भी सेम वही है, वही फोर्स डायरेक्शन करंट, थंब फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये करंट की, लेकिन शर्त क्या रहता है, वहां पे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड लगाते हैं, लेफ्ट हैंड यूज करते हैं वहां पे, या राइट हैंड यूज करेंगे, बस इतना फर्क रहेगा। क्या रहेगा, राइट हैंड लीजिए अपना, यूज राइट हैंड, तीनों फिंगर्स को करिए, ये थंब है आपका, मान लीजिए ये थंब, ये सामने की तरफ,
इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, ये सब आपके बाकी फिंगर। ड्राइंग में मत जाइए, देखिए ये है मोशन ऑफ कंडक्टर। भाई आपने जो मोशन ऑफ कंडक्टर मान लीजिए, या फिर मोशन जिस भी चीज का आप मोशन करा रहे हैं, किसी वजह से मैग्नेटिक चेंज हो रहा है, फोर्स लगाया हुआ आपने, तो इसको मान लीजिए फोर्स। कई बार इसको मोशन भी लिख देते हैं कि मोशन, ठीक है, फोर्स लगा के तो आप मोशन करा रहे होंगे, अभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा रहे होंगे, कुछ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे आप, तो वो यहाँ पे दिखाई देता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। या मोशन फोर्स से, भाई आप सिंपल चाहते हैं मैग्नेट को आप दूर लेके जा रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे जाता है, फोर्स का लग रहा था पीछे की तरफ, लग रहा था मैग्नेट पे, तो फोर्स डायरेक्शन होगी पीछे की तरफ, ठीक है। ये वाला क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बी से लिख देते हैं इसे, और ये क्या है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट लिखेंगे कैसे इसको, वही लिख देंगे आप, प्लेस्ड, कैसे लिखेंगे, पुट, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स एंड, मिडल फिंगर, पुट स्ट्रेच, मिडल फिंगर एंड थंब, स्ट्रेच, स्ट्रेच कर लीजिए उसे एट राइट एंगल टू इच अदर। भाई राइट एंगल बनाना पड़ेगा आपको, और ये बात पक्की है, राइट एंगल बिना काम नहीं चलेगा, राइट एंगल, एंगल टू इच अदर, इच अदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन फिर लिखेंगे आप देन, फिर जो शो हो रहा है, जो जो चीज को शो कर रहा है वो लिख दीजिए, थंब शो फोर्स डायरेक्शन मैग्नेट मिडल इंडेक्स फिंगर शो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फील्ड। पेपर में क्या कर दीजिएगा, थंब के साथ ये चीज मार्क कर दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर ये लाइन मार्क कर दीजिए, पूरा रूल लिखेंगे आप, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, सार लिखेंगे, ये दो तीन लाइनें मार्क कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे कोई पढ़ेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड शो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड मिडल फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट। इसके क्वेश्चंस भी सेम वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे उनमें बने थे फोर्स जो हमने करे थे मोशन ऑफ चार्जेस वाले क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से रहेगा, बस वहां पे राइट हैंड पाम रूल आ गया तो उससे थोड़ा इजी हो गया था, यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, पूछेंगे आपसे डायरेक्ट, या तो आपको इंड्यूस करंट डायरेक्शन दे देंगे तो बाकी चीजें पूछ सकते हैं, तो इस टाइप के सेम क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, आप निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ध्यान रखें, वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रॉन दे रखा हो डायरेक्शन पलट दीजिएगा बस करंट की, जो इलेक्ट्रॉन दे रखा हो ना तो करंट की डायरेक्शन पलट दीजिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पलट दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिएगा, फोर्स की डायरेक्शन देख लीजिएगा, और करंट की निकल जाएगी आपकी, ठीक, इसे लिख लीजिए ये रूल भी, यहाँ भी सेम रूल है भाई, फोर्स ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड सामने है, तो इंड्यूस करंट परपेंडिकुलर, वो तीनों दूसरे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो एक बार आप नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए ये एसी जनरेटर है, इसको भी हम वैसे ही जैसे आपने इलेक्ट्रिक मोटर था ना सेम वैसे है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीजें अलग है वो समझेंगे, बाकी इसको भी आप वैसे ही लिखेंगे जब आप पेपर में लिखेंगे। प्रिंसिपल एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या रहता है, प्रिंसिपल क्या लिखेंगे इसका, ई एम आई, ई एम आई, ठीक
ठीक है, एसी जनरेटर है मतलब कौन सा करंट बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है एसी करंट बनाएगा, एसी क्लियर। तो एसी लिख देंगे, फिर हम नीचे लिखेंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मैग्नेट्स, वायर्स, ये इनका नाम क्या है, इनका नाम होता है स्प्लिट, भाई वहां पे थी स्प्लिट रिंग्स, यहां पर आएंगी स्लिप रिंग्स, इनको बोलते हैं हम स्लिप रिंग्स। जो स्प्लिट रिंग्स थी आपको याद हो आधी थी, हाफ थी, सेमी सर्कुलर डी शेप थी, ये कंप्लीट सर्कल है। इनका काम क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है ना करंट की चेंज, उसको एडजस्ट करती है, करंट के डायरेक्शन को चेंज कराने में मदद करती है। जो डीसी के लिए स्प्लिट रिंग्स लगाते थे हम, वो क्या काम करती थी, वो डायरेक्शन करंट के कांस्टेंट डायरेक्शन बनाते रखती थी, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसलिए काफी यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स की जगह स्लिप रिंग्स है। बाकी ब्रशेज है, ये सारी चीज आपको पता है, ब्रशेज स्प्लिट रिंग्स की जगह हमने स्लिप रिंग्स बता दी। ये गैल्वेनोमीटर है, करंट को पहचानने के लिए कितना करंट बना, नीचे बैटरी लगाते थे ना यहाँ पे हम, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, बस ये दोनों तीन चीजें चेंज है। अब देखिए क्या होगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल बनेगा यहां से ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन से, देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहां पर क्या करते हैं हम इस रॉड की मदद से, ये जो एक्स है ना, फोर्स लगाते हैं, कैसे फोर्स लगाएंगे, सिंपल सी बात है, घुमाएंगे इसे, इसको घुमाएंगे हम यहां से, रोटेट, रोटेशन, रोटेशन बाय यूजिंग एनर्जी। यहां से पहले हमने इसे घुमाया, भाई हमने बताया आपको एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है। अब इसको हम उससे किसी उससे घुमा दे, मोटर लगा के यहाँ पे उससे घुमा सकते हैं या फिर जो आपने पावर प्लांट्स देखे होंगे, आपने सुना होगा पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, वहां पे करते हैं कोयले को जलाते हैं, उससे पानी की भाप बनाते हैं, पानी की भाप की मदद से पंखे घुमा सकते हैं इसको, इससे आगे पंखा लगा के उसको घुमा देते हैं एनर्जी। या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें पानी के भाव से गिराते हैं डायरेक्ट पानी पंखे के ऊपर, टर्बाइन के ऊपर, उससे घूम जाता है, ठीक है। तो ये तरीका भी हो सकता है, वहां पे आगे हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के लिए तरीका, टर्बाइन वगैरह लगाते हैं और आगे फिर से घुमा देते हैं, उसका हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 14 वगैरह में, जो एनर्जी का यूज है चैप्टर 14 में आपको दे रखा है, वैसे आपके सिलेबस से कट चुका, बाकी थोड़ा वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका रहता है, एनर्जी हम लगा हमने फिलहाल यहाँ पे घुमाया ऐसे रॉड को, अब इस एनर्जी से रॉड घूमेगी, देखिए रॉड घूमेगी तो कॉइल भी घूमेगी ऐसे, ठीक है, कॉइल घूमेगी, आप इसको देखिए सिंपल जाता है, कॉइल देखिए कॉइल घूम रही है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, अब वो कॉइल से क्या होगा, ये कॉइल उसको कट करती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, कॉइल और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा चेंज, भाई कट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, और जैसे कट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, करंट इंड्यूस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट डायरेक्शन इंड्यूस हो जाएगी, देखिए उसके लिए हम लाएंगे अपना रूल वगैरह, देखिए सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, एक कॉयल है ना, कॉयल अभी ऐसे है, कॉयल रोटेट करेगी तो उस हिसाब से करंट इंड्यूस होता है इसमें कॉयल के अंदर, ऐसे ऐसे पहले ऐसे इंड्यूस होगा, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, इस तरह वापस आ रहे हैं, यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही है गैल्वेनोमीटर में, फिर सेकंड चांस में क्या होगा, हाफ साइकिल की रोटेशन में, आफ्टर यहाँ पर थोड़ा रहता है, फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ, फर्स्ट साइकिल क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट साइकिल क्या हुआ, सिंपल से याद है क्या, आपने जब हमने इसे हाफ रोटेशन दिया कॉयल को, ऐसे घुमाया हुआ हमने, ऐसे घुमाया हुआ, हाफ रोटेशन में क्या हुआ, फर्स्ट हाफ रोटेशन, रोटेशन करंट गोज ए बी सी डी डायरेक्शन, ठीक है, इतना आपने समझा, हमने यहाँ पे एक्सल से घुमाया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कट हुआ, घूमी तो कॉइल कट होगी ना भाई, कट हुई जैसे जैसे कट हुई करंट ए बी सी डी ऐसे गया डायरेक्शन, फिर अब हाफ रोटेशन हो गया, कॉइल ए बी कॉइल इधर आ गई, सी डी कॉइल उधर चली गई, ठीक है, नेक्स्ट हाफ रोटेशन, थ्योरी आप ऐसे लिखेंगे, इसकी थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी है इसकी, थ्योरी या वर्किंग जॉब बोलते हैं, पहले हाफ रोटेशन का लिखेंगे फिर नेक्स्ट हाफ का लिखेंगे, नेक्स्ट हाफ रोटेशन, रोटेशन इसमें आप क्या करेंगे, यहां क्या होगा, करंट गोज डी सी बी ए, इस बार डायरेक्शन पलट जाएगी करंट की, इस बार करंट जाएगा यहां से डी सी बी ए, करंट डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और इस तरह क्या होगा, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी करंट की, ऐसी एसी की एक साइकिल बन जाएगी,
एक साइकिल बन गई, फिर वापस ए बी कॉइल हाफ रोटेशन के बाद ए बी कॉइल इधर आ गई, फिर से वही डायरेक्शन ए बी टू सी डी, फिर डी सी बी ए, ऐसे चलता रहेगी। और इस तरह लिख देंगे करंट डायरेक्शन अगेन चेंज, फिर नेक्स्ट हाफ रोटेशन के बाद लिखेंगे नाउ वन साइकिल कंप्लीट, इसको आप लिख सकते हैं वन साइकिल कंप्लीट, ठीक है, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई और फिर ये साइकिल चलती रहेगी दोबारा से। पूरा समझी क्या हुआ, एक्स नीचे गैल्वेमीटर लगाया था यहाँ पे, ये क्या है ब्रशेस, ये आपको पता है ब्रशेस, एक्सल, स्लिप रिंग्स, गैल्वेमीटर, ठीक है। क्या किया हमने, एक्सल से इसको घुमाया, ऊपर वाली कॉइल घूमी, कॉइल घूमी तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करी इस कॉइल ने, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हुई करंट इंड्यूस हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, करंट कैसे इंड्यूस हो, ए बी सी डी, हाफ रोटेशन हो गया कॉइल का, तो क्या हुआ करंट डायरेक्शन ए बी सी डी। फिर नेक्स्ट हाफ में क्या हुआ, जब सी डी कॉइल इधर आ गई, ए बी कॉइल इधर आ गई, अगले करंट फ्लो हुआ डी सी बी ए नेक्स्ट हाफ रोटेशन में, तो करंट डायरेक्शन जो है पहले हाफ में ए बी सी डी रहा पॉजिटिव मान लीजिए उसे, फिर नेक्स्ट वाली साइड में डी सी बी एफ हुआ है तो नेगेटिव, तो करंट डायरेक्शन उल्टी रही, फिर पूरा हाफ हाफ नेक्स्ट हाफ रोटेशन हो गया और साइकिल कंप्लीट हो गई उसमें, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी और ऐसे चलता रहेगा। और आप ऐसे वर्किंग लिख देंगे इसकी, कहाँ कहाँ यूज होता है इसे, जनरेटर का भी, आप जनरेटर कहाँ यूज होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होता है, लगा सकते हैं, ठीक है, इसका आपको पता ही है भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है, आप ऑब्वियस पता है एनर्जी बनाने में यूज होता है इसका, तो आप बना सकते हैं एनर्जी, ठीक है, इसे एक बार समझ लीजिए, देख लिया आप, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट लगता है आपको तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी बार देख लीजिए इसे, ठीक है। तो एक बार हम लिख लेते हैं, अब एक बात आती है, हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया होगा करंट डायरेक्शन निकालने का, पहले हाफ रोटेशन में ए बी सी डी, फिर नेक्स्ट हाफ रोटेशन में सी डी बी ए, तो कौन सा डी सी बी ए, हमने कौन सा लगाया, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, कैसे लगे बार समझ लीजिए आप, बुक में क्या देखा है, डायग्राम को ऐसे लेटा के देखा उन्होंने, मतलब कॉइल ऐसे ही रखी, हमने ऐसे रखी बोर्ड पर, तो ऐसा समझते हैं, ठीक है, देखिए एक बार लगाने का तरीका बता रहे, समझिएगा ध्यान से, टॉपिक इंपॉर्टेंट, देखिए क्या क्या हमने कॉइल घुमाया ना, कॉइल कैसे घुमाया हमने, इसको बाहर की तरफ निकाला है ऐसे घुमा रहे, तो ए बी कॉइल बाहर की तरफ आएगी भाई, ये बाहर की तरफ आएगी, सी डी कॉइल अंदर जाएगी, ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे की तरफ जाएगा, देखिए कि एक कॉइल अंदर की तरफ जाएगी, एक कॉइल बाहर की तरफ आएगी, जैसे चीजें घूमती हैं तो कॉइल ऐसे जाएगी, ठीक है, देखिए समझिए, देखिए ये कॉइल है मान लीजिए, तो कॉइल ऐसे घुमा रहे हम, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हम एक्सेस की मदद से, एक्सेस जो लगी नीचे, हम ऐसे घुमा रहे हैं कॉइल को भाई, ठीक है, ये मेथड है, तो ए बी कॉइल हमारी बाहर की तरफ आ रही है, सी डी कॉइल अंदर की तरफ जा रही है, फोर्स को देखिए, फोर्स ए बी कॉइल पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है घुमाने की वजह से, फोर्स को रखिए राइट हैंड को पकड़िए अपना, राइट हैंड फिंगर्स को स्ट्रेच करिए 90 डिग्री पे, फोर्स बाहर की तरफ कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। अब क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है, नॉर्थ से साउथ, घुमा दीजिए उंगली को, देखिए करंट डायरेक्शन आ गई ऊपर की तरफ ए बी कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, क्योंकि कॉइल बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है ना कॉइल, ठीक है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो करंट आ गया देखिए ऊपर की तरफ, ए बी कॉइल में ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इस वाली कॉइल में आइए, इस वाली कॉइल में कैसे लगाएंगे, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का, देखिए ये कॉइल अंदर की तरफ जा रही होगी, देखिए ऐसे घूम रहा है, तो सी डी कॉइल अंदर की तरफ जा रही होगी, सी डी कॉइल में फोर्स अंदर की तरफ लगा दीजिए, ठीक है। नेगेटिव फील्ड कहाँ है, सामने की तरफ, देखिए मिडल फिंगर नीचे आ गई, तो इसमें नीचे रहेगी, हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ रोटेशन के लिए ये, मतलब फर्स्ट हाफ रोटेशन में, सेकेंड हाफ रोटेशन में सी डी इधर आ जाएगी भाई, जब पूरी कॉइल एक बार ऐसे ये हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है, ए बी कॉइल इधर आ गई, सी डी कॉइल इधर आ गई, अब सी डी कॉइल पे भारी तरफ फोर्स लग जाएगा, ये सी डी भारी तरफ आई तो सी डी ऐसे घूमेगी, तो इस तरह पूरा वन कंप्लीट रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन फुल रोटेशन, हाफ रोटेशन फुल रोटेशन, तो इस तरह हमारी साइकिल चलती चलेंगी ए सी की, ठीक है। इन केस अगर हम इससे डीसी करंट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल स्प्लिट रिंग्स लगा देंगे, स्प्लिट रिंग्स होती है डीसी के लिए और इलेक्ट्रिक मोटर में लगाते हैं, और एसी के लिए होती है स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये पैटर्न रहता है। तो अब हम इसे लिखेंगे, इसकी वर्किंग एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब पूरा लॉन्ग फॉर्म में कंप्रेस अच्छे से लिखेंगे जो आप बोर्ड में लिख सकें, ठीक है, तो एक बार इसे लिख लीजिए, पहले इसे बना लीजिए, ठीक है, पेपर में जब बनाएंगे तो ऐसे ही बना के आएंगे, डायग्राम बना के आएंगे, प्रिंसिपल आपको पता है, ईएमआई है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, मैग्नेट्स, वायर्स, एक्सेल, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, गैल्वेनोमीटर वगैरह, ये सारी चीजें
हम सीधा वर्किंग लिख रहे, ठीक है, वर्किंग लिख रहे हैं, हम ज्यादा सारी चीजें नहीं लिख रहे। वर्किंग, ठीक है, सर जी बता दिए वर्किंग, ये आप एज इट इज लिखेंगे बोर्ड में, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट रोटेट द कॉइल यूजिंग एक्सेल, जैसे आपने सेटअप किया होगा वैसे ही आप रोटेट करेंगे। हमारी तरह सेटअप हमने वर्टिकल सेटअप किया था, बुक में क्या हॉरिजॉन्टल सेटअप दे रखा है, बुक में कैसे घुमा रहे हैं हम कॉइल को देखिए, उन्होंने बुक में कैसे घुमाया कॉइल को, हमने ऐसे ऐसे घुमाया ना कॉइल को, उन्होंने ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे घुमाया, तो ठीक है जैसे चाहे घुमा सकते हैं। अगर आप अप, तो अगर ऐसे घुमा रहे हैं कॉइल को तो आप लिखेंगे अपवर्ड, ए बी के लिए लिखेंगे अपवर्ड और सी डी के लिए लिखेंगे डाउनवर्ड, लेकिन अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं तो ए बी के लिए लिखेंगे आउटवर्ड, ये सी डी है, सी डी जा रही इनवर्ड, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। बाकी डिपेंड करता है जैसे मोटर ना दे वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने अपने तरीके से बनाया, हम इनवर्ड आउटवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, वरना आप अपवर्ड डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजिंग एक्सेल सच दैट ए बी कॉइल गो कम लिख रहे हैं, कम कम आउटवर्ड, इसको मैं क्या करूंगा हाईलाइट करूंगा क्योंकि मुझे पूरी वर्किंग नहीं दिखानी टीचर को, गंदी राइटिंग होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, कटिंग का साइंस गंदी राइटिंग होगी, हो सकता है एक अच्छे गलत लिख दूं, तो मैं नहीं चाहता दिखाना, तो इसलिए मैं हाईलाइट करूंगा। एंड सी डी गो इनवर्ड, ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखूंगा मैं बाय अप्लाइंग राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, करंट गोज डायरेक्शन एज, करंट के डायरेक्शन को मैं हाईलाइट करूंगा ए बी सी डी, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। इन फर्स्ट हाफ रोटेशन रोटेशन, ठीक है, ये पूरी लाइन को मैं हाईलाइट कर दूंगा, देखिए, ठीक है, डन, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट लिख दिया, थर्ड पॉइंट लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे ऊपर छोटी साइड में सेकंड हाफ रोटेशन, और अच्छा लगेगा एक लाइन छोड़ के। बोर्ड में याद रखिएगा सजावट के भी मार्क्स मिलते हैं, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप मेहनत करते रहेंगे गधे की तरह काम हो जाएगा, नहीं, बोर्ड में सजावट के राइटिंग के भी उतने मार्क्स मिलते हैं जितने कंटेंट के, बोर्ड में सजावट के भी इंपॉर्टेंट होती है, जितना पेपर अच्छे से लिखेंगे उतना बेनिफिट रहेगा, बाकी मेहनत वगैरह एंट्रेंस एग्जाम में काम आती है, वहां पे सिर्फ मेहनत काम आती है, वहां पे सजावट और हैंड राइटिंग काम नहीं आती, वहां पे दिखाएगा जितनी मेहनत दिखानी है हाफ रोटेशन। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे हम, अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे इन सेकेंड हाफ रोटेशन रोटेशन करंट गोज डी सी बी ए, ठीक है, ये इस लाइन को मैं हाईलाइट करूंगा इन सेकेंड हाफ रोटेशन, करंट गो डी सी बी ए, स्लिप रिंग्स हेल्प इन हेल्प
इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। स्लिप रिंग्स के बारे में बता देंगे थोड़ा सा, कि स्लिप रिंग्स क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है। यहाँ पे कम्यूटेटर की तरह काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लिप रिंग्स के बारे में लिख सकते हैं, वहां पे कम्यूटेटर का काम कर रही थी। स्प्लिट रिंग्स है वो, ये स्लिप रिंग्स है। दोनों में फर्क है, याद रखिएगा, थोड़ा सा फर्क है जस्ट, लेकिन दोनों के वर्क बहुत अलग अलग है, ठीक है। इतना लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? नाउ वन साइकिल कंप्लीट वी कैन शो डिफ्लेक्शन सी करते हैं सी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। भाई जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर क्योंकि यहाँ पे काफी स्मॉल करंट बनता है, जो हमारे फैक्ट्रीज वाले वहां पे बड़े बड़े एसी जनरेटर होते हैं उनकी बात अलग है, वहां से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बन जाती है। लेकिन जो हमने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट बनाया वो छोटा ही था, हमने मैग्नेट्स तो लगा रखी थी, बार मैग्नेट यूज कर रहे थे, देखा होगा आपने दोनों साइड बार मैग्नेट थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बहुत छोटी एनर्जी बनी, तो उसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। ये लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं, एंड देन एंड नाउ देन दिस दे नाउ दीज साइकल्स कंटिन्यू, ठीक है। बस खत्म आ रही वर्किंग, ये आपको वर्क मिलेंगे। नीचे सोर्सेज देख सकते हैं आप, एसी के सोर्सेज लिखना चाहें सोर्सेज लिख दीजिएगा, दो हैं, पावर प्लांट भाई इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट होते हैं, दूसरा इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या काम होता है, हमने आपको बताया था एसी करंट को आप स्टोर नहीं कर सकते, तो क्या करता है जो बिजली इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होते हैं ना, क्या करते हैं इन्वर्टर चार्ज होता है, एसी करंट आता है जब लाइट आ रही होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है इन्वर्टर, और जब लाइट चली जाती है तो उस डीसी करंट को एसी करंट में बदल के वापस सप्लाई कर देता है हमें, और हमारे घर के अप्लायंस चल जाते हैं। जितने भी घर में अप्लायंस बने होते हैं वो सारे एसी पे वर्क करने के लिए बने होते हैं, आप उन्हें डीसी में वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, याद रखिएगा। और जो डीसी पे वर्क करते हैं जैसे फोन के चार्जर वगैरह होते हैं, फोन के चार्जर लैपटॉप्स के चार्जर, ये डीसी के लिए बने होते हैं, तो इनके अंदर एक अलग से डिवाइस लगा होता है जो एसी करंट को डीसी में बदल रहा होता है, उसकी साइंस अलग होती है, वो सब आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे में जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होते हैं वो सारी एसी के लिए ही बनी होती हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, एज इट इज एसी में काम करती हैं, अगर आपने डीसी में यूज करेंगे तो काम नहीं करेंगे, ठीक है, डन। एक बार इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जनरेटर खत्म गए, एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक बार एक क्वेश्चन है, एसी करंट चेंज इट्स डायरेक्शन इन एवरी, ये बताने आपको कितने टाइम में एसी अपने डायरेक्शन बदलता है, इसको आप निकाल सकते हैं ध्यान से, अगर कोशिश करेंगे तो आप कर पाएंगे। ये सेकंड है, इसको पूरे लेते हैं, अच्छे समझ में आया आपको, कंफ्यूज ना होइए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन वाइज करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से करेंगे हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड
डायरेक्शन आफ्टर एवरी, याद रखिए जो गैल्वेमीटर की वर्किंग होती है ना वो भी ईएमआई पे ही डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं ईएमआई से ही वर्क करता है। जो हमारा गैल्वेमीटर होता है ना उसके भी वर्किंग सेम ऐसी ही होती है जैसे इसकी होती है, वो भी कहीं ना कहीं ईएमआई से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसको आपको याद रखना है, ईएमआई से रिलेटेड होती है उसकी वर्किंग भी, ज्यादा आपको डीप में याद नहीं रखना है। ईएमआई और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, उसमें क्या होता है करंट पास होता है उसमें थोड़ा सा रहता है, ईएमआई नहीं बोलेंगे। उसकी वर्किंग क्या होती है, एक साइड से करंट पास होता है, कॉइल होती है बीच में, कॉइल से वो कॉइल रोटेट हो जाती है जब उसमें फोर्स लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती थी ना गैल्वेनोमीटर वैसे वर्क करता है। थोड़ा सा ईएमआई से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं वर्क करता है और रस्सी में नॉट आ जाते हैं, जैसे बचपन में अपना झूला झूला होता है रस्सी घुमाते हैं तो क्या होता है रस्सी टाइटन हो जाती है, टाइम वो और फोल्ड नहीं हो पाती, तो उससे वर्किंग होती है, वो आपको नहीं पढ़ने डेल में, बस याद रखिए कहीं ना कहीं उससे भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है उसका वर्किंग भी। उसकी वर्किंग पूछ रहे हैं आपसे, एक येलो बॉक्स दे रखा है उसे पढ़ सकते हैं बुक में गैल्वेनोमीटर के बारे में, क्या दे रखा है गैल्वेनोमीटर होता है जो बहुत ही छोटे करंट को मेजर करने होता है, मिलीमीटर में करंट होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर भी हमारा कॉन्सेप्ट लगता है फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्सेज के बेस पे, ये उसकी वर्किंग होती है कि जब चार्ज पास होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से तो उसके अंदर क्या होता है फोर्स बनता है और उससे हमारे करंट को मेजर किया जाता है। हाफ रोटेशन फुल रोटेशन नहीं, थ्री फोर्थ रोटेशन, नन ऑफ देम, ये दो आंसर आपको करने हैं अभी, इनके आंसर बताइए फटाफट करिए, वो क्वेश्चन डाल देना पर देखिए करिए फटाफट पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है चलिए हम ट्राई करते हैं, पॉज करके आपने कर लिया होगा। देखिए एसी करंट के बारे में बोला है, एसी करंट कितने टाइम अपने डायरेक्शन चेंज करता है, ये आपको पता है, एक सेकंड में हमने आपको बताया था ये 100 बार करता है अपने डायरेक्शन चेंज, तो एक बार डायरेक्शन कितने टाइम में चेंज करेगा, 100 पर चली गई, एक बार डायरेक्शन चेंज करेगा इतने टाइम में, ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी मार दीजिए। सेकंड क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं जो करंट डायरेक्शन चेंज होगी कितने टाइम में चेंज हो, कितने रोटेशन में चेंज होती है, ये मैं आपको बता दें, जब कॉइल हाफ रोटेट करती थी तो डायरेक्शन पलट जाते हैं, फिर दोबारा हाफ रोटेट करती तो डायरेक्शन पलट जाती थी, तो क्या आएगा एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में देते हैं, इजी होते हैं काफी, पेपर में आते भी है। ठीक है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हमारा एक बार से नोट कर लीजिए, देखिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर का एसी जनरेटर वाला ईएमआई वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डोमेस्टिक सर्किट के बारे में थोड़ा समझेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।